बच्चों, हम वेव चैप्टर में से ये जो डायग्राम दिया है ना आपकी बुक एनसीईआरटी में, उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये किस तरह का वेव पैटर्न है। एक्चुअली ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जो कि दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है। जब आप इसको प्लग करते हो तो इसमें एक वेव प्रोपोगेट करती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। अब चूंकि वो दूसरे एंड पे फिक्स है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है और दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन होता है और आपको इस तरह का वेव पैटर्न मिला दिखाई देता है। इस तरह की वेव्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब दो वेव्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम थी, जिनका एम्पलीट्यूड सेम था, जिनका वेवलेंथ सेम था, जिनका टाइम पीरियड सेम था, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी, उन्होंने एक दूसरे को सुपर पोजिशन किया तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिला। इन वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो है ना तो राइट की तरफ मूव कर रही हैं ना लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हैं, ट्रैवलिंग नहीं है ये। यहाँ पे जो वेव्स के पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, एनर्जी अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हो रही है। तो और इसमें लूप्स मिलते हैं आपको, है ना, नंबर ऑफ लूप्स देखो, सब में जो जितने भी पैटर्न हैं उनमें अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहला वाला लूप है उसमें आपको हाफ लैम्डा, मतलब सिर्फ एक ही लूप दिखाई दिया है ना, ए वाले में देखो, तो ये लूप एक मिलेगा आपको स्ट्रिंग में। ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे बना एक लूप? ये एक लूप इसलिए बना है क्योंकि आपने उस स्ट्रिंग को बिल्कुल सेंटर में से प्लग कर दिया। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कितने लूप बनेंगे, उसका एक फॉर्मूला है L अपॉन 2N। अब आपको N क्या है कि नंबर ऑफ लूप कितने बनेंगे, तो L बाय 2 आया आपका एक लूप के लिए, तो L बाय 2 का मतलब है बिल्कुल सेंटर से प्लग करोगे तो आपको एक लूप मिलेगा। A डायग्राम को देखो, इस लूप में बच्चों एक ही लूप है लेकिन पूरा वेवलेंथ नहीं है, पूरी वेव नहीं है, एक हाफ वेवलेंथ है ना, सिर्फ क्रेस्ट दिखाई दे रहा है ना, पूरी साइकिल तो कंप्लीट हुई नहीं। तो इस फर्स्ट डायग्राम के लिए लैम्डा की लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू, पूरी लेंथ में कितना कितना वेवलेंथ है, हाफ वेवलेंथ है ना, तो एल की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय टू। तो लैम्डा कितना है, 2L दे सकते हैं ना। फर्स्ट डायग्राम समझा रही हूँ आपको, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं इसको, फंडामेंटल हार्मोनिक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कि ये लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रिक्वेंसी है सिस्टम की, है ना। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो किस फॉर्मूला से दी जाती है कि आपको पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वी अपॉन लैम्डा, और इसमें लैम्डा की वैल्यू है 2L, तो न्यू कितना हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन 2L, ठीक है, इस फर्स्ट हार्मोनिक के लिए या फंडामेंटल हार्मोनिक वेव के लिए। दूसरा पिक्चर देखो, दूसरे पिक्चर में आपको दो लूप दिखाई दे रहे हैं। दो लूप कैसे बने कि आपने इसको प्लग किया 1/4 लेंथ में से, है ना, इस पूरी लेंथ का जो 1/4 हिस्सा है वहाँ पे आप प्लग करो। कैसे डिसाइड हुआ, L अपॉन 2N, N क्या है, नंबर ऑफ लूप, तो 1 L अपॉन 4 का मतलब है चौथाई पार्ट पे आप उसको प्लग कर दोगे तो आपको दो लूप्स मिलेंगे। अब दो लूप्स मिलने का मतलब है ये पूरी लेंथ मतलब इज इक्वल टू लैम्डा है ना, लैम्डा एक क्रेस्ट और ट्रॉप, पूरी साइकिल पूरी हो रही है। तो सेकंड हार्मोनिक में जो L इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर, तो न्यू बराबर किसके हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन L, लिख सकते हैं ना, v अपॉन L, क्योंकि जो लैम्डा है या उस किसके बराबर है, पूरी लेंथ के बराबर है। थर्ड हार्मोनिक में देखो, थर्ड हार्मोनिक में आपको तीन लूप दिखाई दे रहे हैं, तो इस तीन लूप बनाने के लिए आपको कहाँ पे प्लग करना पड़ेगा, 1/9, है ना, 1/9 जगह पे। क्यों, क्योंकि 2 into 3, तीन लूप बनाने के लिए आपको 1/6 पार्ट पे, लेंथ पूरी लेंथ के 1/6 पार्ट पे प्लग करोगे तो आपको तीन लूप मिल जाएंगे। इसी तरह से चार लूप बस आप फॉर्मूला में रखते जाओ, जितने लूप बनाने आपको वहाँ पे प्लग करने पे आपको इसे नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये नंबर ऑफ लूप्स जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सबके लिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बस आप फ्रीक्वेंसी में क्या है, लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ। जैसे थर्ड हार्मोनिक है उसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2L/3, है ना, तो 2L/3 है तो न्यू कितना हो जाएगा, 3V/2L, है ना बच्चों, क्योंकि न्यू क्या होता है, V/λ, तो लैम्डा की वैल्यू रख दो उसके अंदर। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए 3V/2L, फोर्थ हार्मोनिक के लिए 4V/2L, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 5V/2L, और सिक्स हार्मोनिक के लिए 6V/2L।
आया आपको समझ में कैसे कैसे बनाया मैंने ये फॉर्मूला, लिखा हुआ है बुक में। फिर और क्या है इस डायग्राम के बारे में, आपको ए दिखाई दे रहा है, ए और एन। एन क्या है, नोड्स हैं, है ना, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी के बराबर है लैम्डा बाय टू के, हाफ लैम्डा है ना, और एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच की दूरी भी लैम्डा बाय टू है ना, हाफ लैम्डा है, और दो हर सर सारे नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है ना, वेवलेंथ तो सेम ही होती है ना। तो और एंटी नोड पे क्या हो रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम है ना, और हर लूप में देखो आप जो वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स वो डिफरिंग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, हर जगह पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है। नोड्स पे कैसा एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का, जीरो एम्पलीट्यूड, क्योंकि वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे हैं और वो फिक्स्ड है, नोड हमेशा नोड ही रहेगा, मतलब उस जगह के पार्टिकल्स कभी वाइब्रेट करेंगे ही नहीं, वहाँ पे एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो वहीं पे ही हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है उनके अंदर। और एंटी नोड्स पे जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। और ये कैसी वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में बन रही हैं, और इसी तरह की स्टेशनरी वेव्स आपको ऑर्गन पाइप्स में भी मिलेंगी, लेकिन वो साउंड वेव्स होती हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होता है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो आपने देखा कि दो ट्रैवलिंग वेव्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, अब उन्होंने सुपर पोजिशन किया जब, तब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, और वो वहीं पर जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी वाइब्रेट करते हैं, उसी जगह पे रहकर ही वाइब्रेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना लेफ्ट ना राइट वेव्स का ट्रैवलिंग नहीं होता है, इस तरह की वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। और बस यही है इस डायग्राम के बारे में।